सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई दर 7.5% से ऊपर है। एक रिपोर्ट कहती है 4.25 करोड़ लोगों को जिनको उज्ज्वला के तहत जब सिलेंडर दिया गया आज भरने के लिए 1100 रुपए चाहिए। आपने फ्री में सिलेंडर तो दे दिया लेकिन भरेंगे कैसे? आटा दाल की बात होनी चाहिए, यह नूरा कुश्ती नहीं चाहिए, यह भाजपा कांग्रेस का नूरा कुश्ती नहीं। प्रतीक जी, जनतंत्र में जब जब डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ नेता, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, जिस वक्त उन्होंने इमरजेंसी लगाया हिटलर से तुलना की गई थी, और रही बात हिटलर की, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं हिटलर भी वोट से ही चुनकर आया था, बाद में हिटलर बना। इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी के लिए भी हिटलर का ही इस्तेमाल होता है। और आज लोगों की आवाज को दबाने वाली सरकार, जो कि महंगाई के नाम पर चुप है, बेरोजगारी के नाम पर चुप है, इसीलिए इनको हिटलर का वंशज कहा जाता है। जी मैं पूछूंगा, महंगाई का मुद्दा है, ये लोग अपने दोस्त मालिया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को रेवड़ी देके भगाएंगे और आम आदमी को सताएंगे, ये मुद्दा सही करेगा। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। इन्होंने कहा पंजाब की सरकार, पंजाब के अंदर में कम से कम कोई जहरीली शराब पी के नहीं मर रहा है। मुंद्रा पोर्ट पर 3000 करोड़ का ट्रक नहीं मिल रहा है। और अभी भी बात वही है कि महंगाई की बात है, महंगाई पर एक शब्द नहीं निकला किसी भाजपा के प्रति। मेरा अभी भी यही कहना है कि भैया आप ना अपने अमीर दोस्तों को रेवड़ी बांटना बंद करो। आम आदमी परेशान है, जिसको उज्ज्वला के नाम पर आपने सिलेंडर दिया वो भरवा नहीं पा रहे, इसकी रिपोर्ट भी आपकी सरकार की एजेंसी बता रही है। तो देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि महंगाई दर 7.5% से ऊपर है। आकर के चाहे दूध का दाम हो, सब्जी का दाम हो, दाल का दाम हो, आम आदमी की बात करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। एक रिपोर्ट कहती है 4.25 करोड़ लोगों को जिनको उज्ज्वला के तहत जब सिलेंडर दिया गया आज भरने के लिए 1100 रुपए चाहिए। आपने फ्री में सिलेंडर तो दे दिया लेकिन भरेंगे कैसे? आटा दाल की बात होनी चाहिए, यह नूरा कुश्ती नहीं चाहिए, यह भाजपा कांग्रेस के नूरा कुश्ती नहीं। आम आदमी की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, ये लोग जो एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पाते आज यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं।